जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम तिवारी। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं एलिमेंट्री प्लांट बायोकेमिस्ट्री का जो आपका मिड टर्म एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसको हम आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो JNKB वाले हैं उनका मिड टर्म का पेपर टोटल इंग्लिश में आता है, बट जो RKBS वाले हैं उनका पेपर मिड टर्म का जो है टोटली हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, तो उनके लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, जो है हम आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको पता है कि 30 आपके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका मिड टर्म का पेपर 30 नंबर का आता है, तो टोटली हम आपको 30 जो है क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। आपके जो एलिमेंट्री प्लांट बायोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आपके मिड टर्म के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो आपके लिए लाए हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में बनाता रहता हूँ। और दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप एग्रीकल्चर में वैकेंसीज में अपडेट रहना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जाकर फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके इस सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप ये देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा फास्फोप्रोटीन है, यानी विच ऑफ द वन इज फॉस्फो प्रोटीन, मतलब इनमें से कौन है जो फॉस्फो प्रोटीन है। जैसे कि आपको पता है हम बायोकेमिस्ट्री जिसको जैव रसायन कहते हैं उसका हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा फॉस्फो प्रोटीन है, तो कौन है दोस्तों इनमें से फॉस्फो प्रोटीन। तो इनमें जैसा कि आपको पता है फॉस्फो प्रोटीन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो फॉस्फो प्रोटीन में आपको पता है आपकी केसिन आती है और आपके जो एग के अंदर ईओल्क होता है जिसको अपन पीतक बोलते हैं, तो वो आते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको कहाँ है केसिन कहाँ दिख रहा है, तो केसिन दोस्तों ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसको अपन केसिन बोलते हैं। केसिन क्या होती है, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसको अपन केसिन बोलते हैं। इकलौती ऐसी प्रोटीन है जो दूध के अंदर पाई जाती है, ये प्रोटीन अपने को दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती है, ये सिर्फ जो है दूध के अंदर पाई जाती है, केसिन प्रोटीन। तो दोस्तों, इनमें से फॉस्फो प्रोटीन कौन कौन सी है, कौन सी है, तो केसिन प्रोटीन जो है आपकी फॉस्फो प्रोटीन है। बट अगर इसमें ऑप्शन में एग योल के भी दिया होता या पीतक दिया होता तो अपन वो भी आंसर ले सकते थे। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका डी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर स्टार लगा लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड की साइड। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है कि ग्लाइकोलाइसिस से टीसीए चक्र का यौगिक है, ग्लाइकोलाइसिस से टीसीए चक्र का। आपको पता है कि जो है जो आपका प्रकाश संश्लेषण है फोटोसिंथेटिक्स होता है, तो उसमें आपके केल्विन चक्र, टीसीए चक्र वगैरह चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट यौगिक माना जाता है। तो द कंपाउंड दैट इज टीसीए साइकिल फॉर ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो किस में चलता है भाई टीसीए चक्र का यौगिक, कौन है भाई ग्लाइकोलाइसिस से टीसीए चक्र के यौगिक में, मतलब कौन सा जो एसिड है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका इंपॉर्टेंट है पायरुविक एसिड। पायरुविक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट एसिड है दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस से टीसीए चक्र के यौगिक के चलने के लिए। कौन सा एसिड महत्वपूर्ण है, पायरुविक एसिड, याद रखिएगा कौन सा एसिड, पायरुविक एसिड। जब दोस्तों आप जो है जब क्रैब चक्र पढ़ेंगे तो उसके सारे स्टेप्स के बारे में आप पढ़ेंगे विस्तार से, आप जो है सारे स्टेप्स की आपको जानकारी अब आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक्स, तो उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कहाँ से ATP निकल रही, कहाँ से NADH2 निकल रहे हैं, कहाँ से FADH2 निकल रहे हैं, कौन सा सिट्रिक एसिड बन रहा है, कौन सा सक्सेनिक एसिड बन रहा है, तो ये सारी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। एक बार आप क्रैब चक्र को जरूर देख लीजिएगा, आप गूगल पे एक बार डालिएगा क्रैब चक्र, तो आपको क्रैब साइकिल पूरी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्रैब चक्र से संबंधित क्वेश्चन है कुछ, तो आप ये देख सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस से टीसीए चक्र का यौगिक कौन सा है, पाइरुविक एसिड, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट लैक्टोज उपस्थित होता है, ये तो जनरली सबसे ये क्वेश्चन बन जाएगा कि लैक्टोज इज प्रेजेंट इन, क्योंकि लैक्टोज किस में उपस्थित होता है, तो फैट, ऑप्शन नंबर आपका जो बी दे रखा है मिल्क, या ऑप्शन नंबर सी आपका दे रखा है लिपिड, लिपिड आप देख सकते हैं लिपिड, और इसको बोलते हैं प्रोटीन, ये प्रोटीन। तो जो इन्होंने पूछा है कि लैक्टोज किस में उपस्थित होता है, तो आपको पता है लैक्टोज किस में उपस्थित होता है, लैक्टोज एक मिल्क शर्करा है जिसको आपको पता है किस में उपस्थित होती है, मिल्क में उपस्थित होती है लैक्टोज शर्करा। ठीक है, कौन सी लैक्टोज शर्करा, कौन सी शर्करा, मिल्क में उपस्थित होती है लैक्टोज। ठीक है, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का जो बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 है भाई कि NADP को NADPH2 में घटाया जा सकता है, किसके द्वारा जो घटाया जा सकता है। आपको पता है बहुत सारे जो है चक्कर चलते हैं, केल्विन चक्कर चलते हैं, HMP पाथ चलता है, केल्विन साइकिल चलता है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया चलती है, ये सब दोस्तों क्रियाएं चलती हैं फोटोसिंथेसिस से संबंधित। जब आप टॉपिक पढ़ेंगे ना, श्वसन, रेस्पिरेशन, बाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपेरेंट, तो ये सब क्रियाएं चलती हैं, EMP पाथ, ये भी EMP पाथ होता है,
यानी ये भी एक साइकिल चलती है, ठीक है। ये साइकिल जो है इसमें जो है 35 एटीपी के अणु बनते हैं, तो ये अलग अलग साइकिल चलती है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि एनईडीपी को NADPH2 में घटाया जा सकता है, तो वो किसके द्वारा घटाया जा सकता है, वो घटाया जा सकता है HMP, HMP साइकिल, HMP पाथ होता है दोस्तों, इसको अपन PP भी बोलते हैं, याद रखिएगा। PP मतलब क्या है, तो PP का यहां मतलब है पेटोश, याद रख लिया, लिख लिए दोस्तों, पेटोश क्या बोलते हैं, पेटोश फॉस्फेट पाथवे, पेटोश फॉस्फेट क्या बोलते हैं इसको, PPP, कई बार PP भी लिख देते अपने से, ठीक है। तो पेटोश फॉस्फेट पाथवे, पाथवे मतलब क्या होता है, चक्र, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि जो है NADH से NADPH2 घटाया जा सकता है, किसके द्वारा घटाया जा सकता है, HMP के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों आपने इसके बारे में सुना ही होगा, EMP का मतलब क्या है, इमोड मैड्रेफ परनेस, आप देख सकते हो, थोड़ी इन साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने दिया था, थोड़ी टफ है, इनको बोलना भी थोड़ी टफ है, ये आप लिख देख सकते हैं, ई का मतलब इन्होंने दे रखा है मॉडर्न, है ना, मायरफ इसको बोलते हैं, मायरोहोफ, है ना, थोड़ी बोलने में तकलीफ हो रही है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, है ना, ये मायरोफेक, और लास्ट में होते हैं आपके पेरनस, पेरनस जिनको बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम है दोस्तों, इनका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ये बट ये ज़्यादा अपने से वीकली पूछते नहीं है, बस EMP लिख देते हैं, शॉर्टली पाथवे चलता है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का मैंने आपको करेक्ट आंसर बता दिया, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पॉलीसेकेराइड है, विच ऑफ द वन इज पॉलीसेकेराइड, इनमें से कौन है जो पॉलीसेकेराइड है, तो पॉलीसेकेराइड आपने सुने होंगे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड के अंदर एक ओलिगोसेकेराइड भी आता है ना, ओलिगोसेकेराइड के अंदर डाइसेकेराइड आता है, सॉरी, है ना, तो इनमें से कौन सा जो है पॉलीसेकेराइड है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोसेकेराइड कौन कौन से हैं और डाइसेकेराइड कौन कौन से हैं, फिर आपको पॉलीसेकेराइड के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं किसके बारे में, मोनोसेकेराइड के बारे में, किसके बारे में दोस्तों, मोनोसेकेराइड कौन कौन से, लिख लीजिएगा दोस्तों, मोनोसेकेराइड दोस्तों आपको पता है कौन कौन से है, तो मोनोसेकेराइड आपको पता है ग्लूकोज आपका हो गया, है ना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ग्लूकोज, कई बार जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ है कि मोनोसेकेराइड कौन सा है, डाइसेकेराइड कौन सा है, कई बार पूछा हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये कि इनमें से मोनोसेकेराइड कौन कौन सा है, आपका ग्लूकोज हो गया, है ना, ग्लूकोज के बाद आपका फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज के बाद आपका कौन सा होगा, गैलेक्टोज, है ना, या लिख लीजिएगा दोस्तों, कौन सा हो गया, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज हो गया आपका, जो कि क्या है, ये तीनों कौन से हैं, ये तीनों मोनोसेकेराइड है, ठीक है, ये तीनों मोनोसेकेराइड, इसके अलावा कोई भी मोनोसेकेराइड नहीं, कौन कौन सा, GFG इंपॉर्टेंट है, शॉर्टली आप याद रखिए, कौन कौन सा, GFG मतलब ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये आपके मोनोसेकेराइड हो गए। इसके बाद आपसे बात करते हैं डाइसेकेराइड के बारे में, तो डाइसेकेराइड कौन कौन से, तो डाइसेकेराइड आपको पता होना चाहिए, डाइसेकेराइड आपका सुक्रोज हो गया, ठीक है, सुक्रोज आपका क्या है, डाइसेकेराइड है, सुक्रोज हो गया, सुक्रोज के बाद आपका माल्टोज हो गया, जिसको अपन पता है माल्टोज को अपन अनाजों की शर्करा भी कहते हैं, ठीक है, माल्टोज हो गया, इसके बाद आपका लैक्टोज हो गया, आपको पता है दुग्ध शर्करा भी इसको कहते हैं, ठीक है, और माल्टोज के बाद आपका हो गया रेफिनोज, तो रेफिनोज आपको ऑप्शन में कहीं देख रहा है, तो ये रहा रेफिनोज, मतलब ये बिल्कुल भी आपका आंसर नहीं होने वाला, ठीक है, रेफिनोज कौन सा हो गया, रेफिनोज, ठीक है, रेफिनोज आपका हो गया, ये आप देख सकते हैं रेफिनोज भाई, रेफिनोज, और दोस्तों आपको पता है इनवर्ट इनवर्ट शुगर होती है, तो इनवर्ट शुगर किसको बोलते हैं, आपको पता है, देखो सुक्रोज को अपन क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर बोलते हैं, लिख लीजिएगा दोस्तों, क्या किसको बोलते हैं, सुक्रोज को अपन इनवर्ट शुगर, या इसको प्रतिपन शर्करा बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सुक्रोज को, तो ये भी आपका ऑप्शन गया। अब बचे आपके बेब्रियोश, बेब्रिकोष और स्टार्च, ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि इनमें से क्या जो आपका आंसर होने वाला है, जो रेफिनोज है, रेफिनोज दोस्तों क्या है, जो है आपका रेफिनोज एक प्रकार का क्या है, जो है डाइसेकेराइड है, ठीक है। अब इनमें से इनने पूछा है कि भाई पॉलीसेकेराइड कौन कौन से, तो अब आपसे बात करते हैं हम पॉलीसेकेराइड के बारे में, तो पॉलीसेकेराइड जो आपके कौन कौन से, स्टार्च आपका, ठीक है, अब आपको ऑप्शन में आंसर पता ही लग गया होगा, स्टार्च, स्टार्च लिख लीजिएगा दोस्तों, स्टार्च हो गया, इंसुलिन हो गया आपका, कौन सा हो गया, इंसुलिन हो गया, ये आपके क्या है, पॉलीसेकेराइड है, इंसुलिन हो गया, इंसुलिन के बाद का गम हो गया, गम के बाद आपका जो है सेल्यूलोज हो गया, ठीक है, कौन कौन सा, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के बाद आपका ग्लाइकोज, ये सारे जो है क्या है, ये सारे जो है पॉलीसेकेराइड है, कौन कौन से, स्टार्च, इंसुलिन, गम, सेल्यूलोज, ग्लाइकोज, ये सारे स्टार्च हैं। डाइसेकेराइड कौन कौन से हैं, तो डाइसेकेराइड आपके सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, रेफिनोज, ये सारे जो है डाइसेकेराइड है। और जो है आपके मोनोसेकेराइड कौन कौन से, तो मोनोसेकेराइड आपको पता है GFG यानी ग्लूकोज, फेक्टोज और गैलेक्टोज, ये आपके क्या है, मोनोसेकेराइड, ठीक है।
अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इसका आंसर तो पता लग गया होगा, इसका आंसर जो है ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट आपका छठवें नंबर का क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट के कार्यात्मक समूह यानी द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का कार्यात्मक समूह क्या है, किससे प्रदर्शित करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। तो सी ओ एच मतलब एल्डिहाइड, सी ओ मतलब कीटोन, कीटोन ये समूह होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह, या एल्डिहाइड या कीटोन दोनों, या ओ एच, तो कौन से समूह जो है कार्बोहाइड्रेट में कार्यात्मक समूह है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो है कार्बोहाइड्रेट में सी एच ओ और सी डबल ओ ये क्या है आपके, यानी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों समूह आपके कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लें कि जो है कार्बोहाइड्रेट में कार्यात्मक समूह कौन कौन से हैं, एल्डिहाइड है और कीटोन है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई बोल रहा है सेवन नंबर कि को एंजाइम एफ ए डी से प्राप्त होता है, यानी को एंजाइम एफ ए डी से प्राप्त होता है, तो कौन सा ऐसा एफ ए डी से प्राप्त होता है, तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो को एंजाइम से संबंधित है। ये कहने का मतलब है, आपको पता है मिड टर्म में थोड़ी लैंग्वेज परिवर्तित रहती है, हिंदी में और इंग्लिश में बड़ा चेंजेस और बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब है कि को एंजाइम एफ ए डी से प्राप्त होता है, तो विटामिन कौन सा रहता है, तो उसमें जो आपका विटामिन रहता है वो रहता है आपका विटामिन बी टू, कौन सा रहता है विटामिन बी टू। अपन विटामिन बी टू को क्या बोलते हैं, विटामिन बी टू को अपन बोलते हैं आपको पता है राइबोफ्लोविन, क्या बोलते हैं राइबोफ्लोविन, ठीक है, याद रखिए क्या बोलते हैं राइबोफ्लोविन। ये दोस्तों आपको इनके नाम भी रासायनिक नाम सबके याद होने चाहिए, जैसे कि आपको पता है विटामिन सी को जो अपन रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, तो कई बार रासायनिक नाम भी अपने को दे दे तो अपने को जो है इनके रासायनिक नाम याद होना चाहिए, ठीक है, यानी राइबोफ्लोविन यानी विटामिन बी टू। तो ये जो है डी इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं आपके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बोल रहा है कि गन्ने के रस की प्रमुख शर्करा है, यानी जो गन्ने का रस होता है इसकी प्रमुख शर्करा है, तो द मेजर शुगर ऑफ कैन जूस, यानी गन्ने की प्रमुख शर्करा कौन सी है। तो ये तो आपको पता है कि गन्ने की कौन सी प्रमुख शर्करा है, तो गन्ने की जो है आपकी सुक्रोज को जो है गन्ने की प्रमुख शर्करा कहा जाता है, किसको, सुक्रोज को भाई गन्ने की शर्करा ही तो बोलते हैं, ठीक है, सुक्रोज को क्या बोलते हैं, सुक्रोज को अपन बोलते हैं गन्ने की शर्करा ही बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है अब दोस्तों इसको याद रखिएगा, गन्ने की प्रमुख शर्करा कौन सी है, सुक्रोज। ग्लूकोज को अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को अपन रक्त शर्करा भी बोलते हैं, आपको पता होगा इसके बारे में, आपने सबके बारे में सुन रखा होगा कि ग्लूकोज को जो है अपन रक्त शर्करा भी बोलते हैं, है ना। और फ्रक्टोज को अपन क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज को आपको पता है लीबोज शुगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं लीबोज, आपने सुना होगा लीबोज, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लीबोज शुगर भी बोलते हैं, किसको, फ्रक्टोज को, फ्रक्टोज को लीबोज शुगर बोलते हैं, हेक्सोज शुगर बोलते हैं, हेक्सोज क्या बोलते हैं, हेक्सोज, इसको हेक्सोज शुगर ही बोलते हैं, याद रखिएगा, किसको, फ्रक्टोज को, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं, इसलिए इसको हेक्सोज शुगर भी बोलते हैं, है ना। तो आपने सबके बारे में आपको पता चल गया कि किसको क्या बोलते हैं, गन्ने की शर्करा कौन, रक्त शर्करा आपकी ग्लूकोज हो गई, ठीक है, फ्रक्टोज आपकी कौन सी हुई, लीबोज है, हेक्सोज, सुक्रोज आपको पता है, सुक्रोज इसको गन्ने की शर्करा भी बोलते हैं, इसको प्रतिपन शर्करा भी कहते हैं, इसको इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, तो इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर आपका क्या है, तो सी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि सहकारकों वाले यानी को फैक्टर्स, सहकारकों वाले एंजाइम कहलाते हैं, यानी सहकार से मतलब को फैक्टर वाले एंजाइम कौन कौन से एंजाइम कहलाते हैं, जो को यानी को फैक्टर वाले एंजाइम होते हैं उन एंजाइम्स को क्या कहा जाता है। तो जो को फैक्टर वाले एंजाइम्स होते हैं उनको होलो एंजाइम्स कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, उनको होलो एंजाइम्स कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, जो को फैक्टर्स एंजाइम होते हैं वो कौन से एंजाइम होते हैं, वो होलो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। 9 नंबर का जो है बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। कभी कभी ये थ्योरी से उठाए हुए क्वेश्चन है, नॉर्मली जनरली क्या करते हैं कि थ्योरी से अपने से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए थ्योरी पे भी अपनी कमांड होनी चाहिए, तो थ्योरी को भी पढ़ें, ठीक है। नोट्स मैंने जो है डाल दिए हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उस पर भी आप जाकर विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। लेकिन सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए जो आपको पता है कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में बहुत वक्त लगता है, ठीक है। तो सेशन को जरूर जो है चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 की साइड। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है कि कौन सा अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है, विच वन यील्ड मैक्सिमम एनर्जी। तो यही आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है क्रैब साइकिल में। ऊर्जा का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे ऊर्जा आपको पता है कि भाई
एटीपी के रूप में निकलती है। ये आप इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि ऊर्जा जो है जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो उस ऊर्जा की एक इकाई होती है, ऊर्जा की जो फोटोसिंथेसिस में ऊर्जा के प्रदर्शित करने की इकाई क्या है, एटीपी। तो एटीपी के रूप में ऊर्जा, इस क्वेश्चन का यही मतलब है कि कौन सा अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है। सीधा सीधा ये भी हो सकता था, कौन अधिकतम एटीपी निकालता है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो एटीपी किस में ज्यादा बन गए, क्रेब साइकिल में या ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है ना, ये अवायवीय अवस्था में होती है, कौन सी, अवायवीय अवस्था में। तो ग्लाइकोलाइसिस में या एनारोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो कौन सी क्रिया में जो आपकी ऊर्जा अधिकतम मिलेगी, तो वो आपकी जो ऊर्जा अधिकतम मिलेगी वो मिलेगी आपको एरोबिक श्वसन में, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस और ये अवायवीय दोनों एक ही टाइप है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस जो है अवायवीय अवस्था में ही होता है, इसमें जो है बहुत कम एटीपी का निर्माण होता है, बहुत कम एटीपी का निर्माण होता है, जबकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें समथिंग वे में 36 एटीपी बनते हैं, बट इसमें क्या होता है कि जो है 2 एटीपी का नुकसान हो जाता है, टोटली 34 एटीपी बनते हैं अपने। टोटली कितने एटीपी का निर्माण होता है, 34, जो कि आपको पता है कि सबस्ट्रेट लेवल पर क्या 2 एटीपी का जो है नुकसान हो जाता है, ठीक है। इसलिए 34 जो है एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए जो है कौन सा अधिकतम ऊर्जा देगा, तो वो आपका एरोबिक श्वसन, यानी डी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि घूर्णन में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है, यानी द चेंज इन रोटेशन इज अ कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्रिया आपको पता है ग्लूकोज में भी होती है और फ्रक्टोज में भी होती है। म्यूटा रोटेशन मतलब कि बायां ध्रुव और दायां ध्रुव इनके क्या घूमने की घूर्णन गतियां होती हैं ग्लूकोज की, तो यही म्यूटा रोटेशन कहलाता है, इसको उत्परिवर्तन बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन, ठीक है। तो घूर्णन में परिवर्तन को उत्परिवर्तन, मतलब इस क्रिया को क्या कहा जाता है, घूर्णन में जो परिवर्तन होता है तो परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो इस क्रिया को क्या, ये क्रिया कौन सी क्रिया कहलाई, फिजिकल क्रिया कहलाई या केमिकली या ऑप्टिकली या बायोलॉजिकली, तो ये जो क्रिया है ये ऑप्टिकली क्रिया कहलाती है, ठीक है। कौन सी क्रिया कहलाती है, ऑप्टिकली, यानी आपने जब आप जीओसी पढ़ोगे ना, तो जीओसी जब आप पढ़ोगे तो इसके बारे में आपको ऑप्टिकली के बारे में, संरचना के बारे में बिल्कुल पढ़ाया जाएगा कि कौन सी इसकी दो प्रकार की संरचना होती है, बायां ध्रुव दक्षिण ध्रुव, तो कितने जो है कितने का घूर्णन कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये जो आपको सब सारी चीज़ें जब आप जीओसी पढ़ोगे उसमें आपको जो है पढ़ाया जाएगा कि जो है ग्लूकोज की कितनी होती है, जो है म्यूटा रोटेशन ग्लूकोज का कितना होता है, फ्रक्टोज का कितना होता है, तो ये म्यूटा रोटेशन के बारे में जो आपको पढ़ाया जाएगा विस्तार से, ठीक है। ये टॉपिक्स होते हैं सारे, तो इसमें जनरली मैं आपको नॉर्मली बता सकता हूँ कि जो है द चेंज इन रोटेशन इज मैक्सिमम म्यूटा रोटेशन, तो ऑप्टिकली इसकी जो क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली रोटेशन, ठीक है। याद रखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका जो है सी रहेगा, ठीक है। आप चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12, यानी अनपचयिक शर्करा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि अनपचयिक शर्करा है, यानी नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये लिखा हुआ नॉन, एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, नॉन रिड्यूसिंग शुगर यानी अपचयिक शर्करा। आपको पता है कि शर्करा कितने प्रकार की होती है, शर्करा के 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, अपचयिक और अनपचयिक, यानी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, ये 2 प्रकार की आपकी शर्कराएं होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने ऑप्शन देख रहे हैं कि अनौपचारिक शर्करा कौन कौन सी है, ठीक है। तो अनौपचारिक शर्करा में दे रखा है सेल्यूलोज, सेल्यूलोसेस, ठीक है, सुक्रोज, मैनोज या लैक्टोज। तो इनमें से इन्होंने पूछा है कि अनौपचारिक शर्करा कौन सी है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अपचयिक शर्करा कौन सी है और अनपचयिक शर्करा कौन सी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो अनपचयिक शर्करा है जिसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, तो उनमें सबसे पहला नाम किसका आता है, सुक्रोज का, यानी सुक्रोज जो है अनपचयिक शर्करा है, सुक्रोज हो गया आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुक्रोज और सारे जितने भी पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड मैंने आपको बताए थे ना, कौन कौन से पॉलीसेक्राइड थे, सुक्रोज माल्टोज, सॉरी कौन कौन से पॉलीसेक्राइड थे, तो पॉलीसेक्राइड के बारे में आपको पता था कि जो है स्टार्च हो गया, इंसुलिन हो गया, गम हो गया, सेलुलोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये सारे आपके पॉलीसेक्राइड थे, तो वो किस में आएंगे, वो अनपचयी शर्करा में आएंगे, कौन कौन सा, सुक्रोज आएगा और जो है सारे पॉलीसेक्राइड, सारे पॉलीसेक्राइड किस में आएंगे, अनपचयी शर्करा में, सुक्रोज भी आएगा, इंपॉर्टेंट है याद रखिए, कई बार पूछते हैं ये और अपन गलत भी कर देते हैं, जबकि अनपचयी शर्करा में सारे जो है पॉलीसेक जो है मोनोसेक्राइड आएंगे, सारे मोनोसेक्राइड कौन सी शर्करा में, अपचयिक शर्करा में सारे मोनोसेक्राइड आएंगे और सारे जो है डाइसेक्राइड आएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, सारे जो है डाइसेक्राइड आएंगे, ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बता दी।
नोट कर लीजिएगा, तो आप आपको इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर पता लग गया होगा कि अनपचयी शर्करा है, तो अनपचयी शर्करा आपकी आपको पता है सुक्रोज और पॉली सभी पॉलीसेकेराइड, ठीक है, सभी पॉलीसेकेराइड, सभी पॉलीसेकेराइड अनपचयी शर्करा है, तो इस क्वेश्चन का जो है बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एल्डोज एल्डोलेज एल्डोलेज निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, जो एल्डोलेज है किसके अंतर्गत आता है, तो ऑक्सीडोरेक टस, हाइड्रोएज या लाइसेस या लिगेज, तो जो आपका एल्डोलेज है, ठीक है, जो आपका क्या है एल्डोलेज है, तो ये आपका जो एल्डोलेज है ये ऑक्सीडोरेज टस ऑक्सीडोडक्टेस के अंदर आता है, ठीक है, ये किसकी किसके अंदर आता है ऑक्सीडोरक्टेस के अंदर आता है एल्डोस, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, थोड़ी हाईली ये थोड़ी हाईली क्वेश्चन है, अंदर से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जो है थ्योरी से क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। पामेटिक अम्ल में बीटा ऑक्सीकरण से एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं, पामेटिक अम्ल आपने सुना होगा अम्लों के बारे में, ओलिक, पामेटिक, लिनोलिक, आर्चिनिक, ये सारे अम्ल होते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन इस पे आप स्टार लगाएं, और ये जो क्वेश्चन है इससे कई बार अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अम्ल आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, यानी संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है, कौन कौन से होते हैं अम्ल, संतृप्त होते हैं और असंतृप्त होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो संतृप्त जो है, संतृप्त जो है अम्ल कौन कौन से हैं, ठीक है, तो संतृप्त आपको पता है आपके एक पामेटिक हो गया और आपका जो है स्टेरिक, याद रखिएगा कई बार पूछा है पेपर में कि जो है संतृप्त अम्ल कौन कौन से, तो आपका जो है पामेटिक अम्ल संतृप्त है और स्टेरिक, ये दो अम्ल जो है आपके सेचुरेटेड है यानी संतृप्त अम्ल है, ठीक है, और इसके बाद अनसेचुरेटेड के बारे में आपको पता है कि जो मैलिक एसिड है आपने सुना होगा, सॉरी ओलिक, सॉरी सॉरी ओलिक एसिड, कौन सा ओलिक एसिड के बारे में आपने सुना होगा, जो ओलिक एसिड है ये आपका क्या है अनसेचुरेटेड यानी अनसंतृप्त है, ठीक है, ये असंतृप्त है आपका ओलिक एसिड, याद रखिएगा। अब कई बार आपसे क्या पूछते हैं पामेटिक अम्ल का जो है फॉर्मूला भी पूछते हैं, तो याद रखिएगा पामेटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है C15H31, ठीक है, C15H31 COOH, ये क्या होगा आपका पामेटिक एसिड का फॉर्मूला हो गया, बस जरा सा आप चेंज करेंगे तो स्टेरिक का बन जाएगा, यहाँ पे आप जस्ट 33 कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो है स्टेरिक का बन जाएगा, ठीक है, कौन सा स्टेरिक का, दोनों ही असंतृप्त तो जो है अम्ल है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, देखो मेरा काम आपको सही तरीके से सटीक जानकारी देना है, ठीक है, तो एक कॉपी पेन जरूर रखें आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी पेन रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ तो नोट करते जाइएगा, आपका ही फायदा है, ठीक है, आपके लिए ये चीज़ें लेके आ रहा हूँ, आपके लिए सारी चीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है कि हर कोई सारा मिड टर्म का नहीं पढ़ पाएगा, वो अधिकतर है जो क्वेश्चन ही लगाएंगे, तो इसलिए क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है, तो यही पूछा है कि पामेटिक अम्ल में बीटा ऑक्सीकरण से एटीपी के कितने अणु बनते हैं, ठीक है, तो वो आपके जो बनते हैं वो बनते हैं 129 बनते हैं, कितने बनते हैं 129, तो आपका जो 129 किसके नज़दीक है 130 के नज़दीक है, ठीक है, तो इसलिए अपना आंसर इसका जो है बी ले लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे बी, यानी जो पामेटिक अम्ल से बीटा जो बीटा ऑक्सीकरण से एटीपी के कितने अणु बनते हैं, तो वो 130 अणु बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीकरण का अंतिम उत्पाद है, यानी एंड प्रोडक्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, यानी जो फैटी एसिड से बीटा ऑक्सीकरण का अंतिम उत्पाद क्या बनता है, फैटी एसिड आपको पता है बीटा ऑक्सीकरण का अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है, ठीक है, तो यही पूछा है, तो उसमें अंतिम उत्पाद बनता है आपका एसिटाइल को एंजाइम, कौन सा उत्पाद बनता है एसिटाइल को एंजाइम, यह जो है फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीकरण का अंतिम उत्पाद है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीटा ऑक्सीकरण से अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो है सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि असममिति कार्बन परमाणु की संख्या ग्लूकोज में कितनी होती है, असममिति कार्बन में जो है कितनी संख्या होती है, यानी एटम में ग्लूकोज में, ग्लूकोज में पूछा है, किसमें पूछा है ग्लूकोज में, सबकी अलग अलग होती है, ठीक है, कि असममिति कार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या ग्लूकोज में कितनी होती है, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ग्लूकोज की जो है संरचना कैसी होती है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, अगर ये पता नहीं तो आप कैसे पता लगा पाओगे कि जो है ग्लूकोज में असममिति कार्बन परमाणुओं की जो है संख्या कितनी है, तो सबसे पहले आप संरचना के बारे में आपको बता दें ग्लूकोज की संरचना कैसी होती है, तो सबसे पहले जो ग्लूकोज की संरचना, देखो ग्लूकोज कुछ इस प्रकार से होता है सी ओ एच
OH लगाते चलते, इधर जो है H इधर लगा, जो H इधर लगाते हैं OH इधर लगाते चलते, COH, ये थोड़ी छोटा बड़े आएगा जो है। चार बार अपन यहाँ पे लगाते हैं, COH यहाँ पे लिखते हैं, H यहाँ पे लिखते हैं, और जस्ट एक बार और होता है ना, तो COH और H यहाँ पे लिखते हैं। तो ये जो आपके पूछ रहा है कि असम्मिति, और यहाँ पे जस्ट नीचे अपन CH2OH लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला बन गया टोटल पूरा, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला खोल दिया गया है। आप पढ़ते हैं ना कि ग्लूकोज में जो आपको पता है कि 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो जस्ट इन्होंने पूछा है कि असम्मति कार्बन परमाणुओं की संख्या, असम्मति का मतलब समझ रहे हैं, यही परमाणुओं की जो है बात कर रहा है। ये आपके 4 परमाणु है ना, इन्हीं परमाणुओं की बात कर रहा है, ठीक है। किन, सॉरी, आप इसको नहीं नोट आउट करेंगे, इसको अपन, ये 4 परमाणु कौन कौन से, ये 4 परमाणु की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो ये 4 परमाणु तो आप समझ गए कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो है 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है, 16 का जो है करेक्ट आंसर। आपकी संरचना देखें ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। थोड़ी आप कंफ्यूज हो गए हो संरचना में, जगह की कमी पड़ रही है इसलिए आपको थोड़ी समझ में नहीं आया, बट जब संरचना आप सिक्वेंस से बनाएंगे ना तो आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, 20 क्वेश्चन का जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। बट याद रखे दोस्तों, आपको ग्लूकोज को आपको पता है, मैंने बताया था ना कि ग्लूकोज को हेक्सोज और डेक्सट्रोज शुगर भी कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 17 की साइड। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, ये भाई साहब बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है, मुख में या डिडूनम। डिडूनम ये क्या होता है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, आपने तीनों भाग के बारे में पढ़ा होगा, डिडूनम, ड्यूरम, और आपकी एक और भाग होती है बिली नामक संरचनाएं पाई जाती है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करती हैं। तो ये सॉरी यहाँ पे नहीं, आपका जो है ये बात कर रहा है, ये जनरली मैं आपको कार्बोहाइड्रेट का पाचन की बात बता रहा हूँ, ये जनरली जो है एनिमल में होता है। जो ही यहाँ बात, तो अगर देखो ना, तो यहाँ पे किसी की ह्यूमन की बात की है और ना भी यहाँ जानवर की बात की, तो अपन नॉर्मली जो है ह्यूमन को ही लेंगे, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है कि डाइजेस्टिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे शुरू हो जाता है, मुंह में या ड्यूरिनम में या स्टोमेक में या छोटी आंत, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो आपका पाचन है वो आपका मुंह में स्टार्ट हो जाता है। मुंह में आपकी सलाइवा होती है, आपको पता है कि जो मतलब जुगाली नहीं करती, डोमेस्टिकेशन, आपने जुगाली के बारे में सुना होता है, ह्यूमन एक ऐसा है जो डोमेस्टिकेशन यानी जुगाली नहीं करता है। तो उसके अंदर टाइलिन, उसकी जो है लार में क्या टाइलिन नामक एंजाइम, टाइलिन टाइलिन के बारे में आपने सुना होगा, उसकी लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो इंपॉर्टेंट होता है और खाने के पाचन में महत्वपूर्ण होता है। लार अपनी होती है सलाइवा, तो इसको जो चिकनाहट पैदा करता है, ये जो है मुंह के अंदर ही आपका कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर ए रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 18 की साइड। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 पूछ रहा है, इसकी सक्रिय साइटों को अवरुद्ध करके एंजाइम क्रिया को अवरुद्ध करना क्या कहलाता है, उसको क्या बोलेंगे, किसको, इसकी सक्रिय साइटों को, ठीक है, किसको, सक्रिय साइटों को अवरुद्ध करके एंजाइम क्रिया को अवरुद्ध करना, किस क्रिया को, किसकी क्रिया को, एंजाइम क्रिया को अवरुद्ध करना क्या कहलाएगा। तो वो आपका कहलाएगा कॉम्पिटेटिव यानी प्रतिस्पर्धा निषेध, यानी कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, ठीक है, याद रखिएगा। 20 क्वेश्चन का जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। थोड़ी ये इनकी लैंग्वेज बड़ी टफ होती है और बड़ी गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली मैं आपको बताऊँगा, अगर क्वेश्चन आपके कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, तो जनरली याद रखें बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका बोल रहा है कि सुक्रोज अणु है, यानी सुक्रोज मोलिक्यूल्स है, यानी सुक्रोज का जो अणु है वो क्या है, ठीक है। तो सुक्रोज का जो अणु है, इन्होंने दे रखे हैं फॉर्मूले, ये अल्फा हो गया आपका, ये बीटा हो गया, ठीक है, अल्फा बीटा 1-2 लिंकेज, अल्फा बीटा 1-6 लिंकेज। तो जो इन्होंने पूछा है कि सुक्रोज अणु का क्या होता है, तो सुक्रोज अणु का जो है जनरली किससे प्रदर्शित करेंगे सुक्रोज अणु को, तो सुक्रोज को जो है आपको अपने को पता है कि सुक्रोज का क्या रहेगा, तो सुक्रोज का आपको पता है कि जो है डी इसका जो है सुक्रोज का वन अल्फा क्या रहेगा, अल्फा 1-6 लिंकेज, ये इसका जो है आंसर रहेगा, अल्फा 1-6 लिंकेज किसका है, सुक्रोज का। अब आपसे कभी कोई माल्टोज का भी पूछ ले, तो माल्टोज का जो है आपको पता होना चाहिए कि अल्फा 1-4 लिंकेज, ये किसका हो गया दोस्तों, माल्टोज का, याद लिख लीजिएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट ठीक है, माल्टोज के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो ये माल्टोज का रहेगा 1-4 अपना, अल्फा 1-4 लिंकेज ये किसका रहेगा, माल्टोज का, और बीटा 1-4 लिंकेज, बीटा 1-4 लिंकेज किसका रहेगा, लैक्टोज का, किसका, लैक्टोज का, ठीक है, लिख लीजिएगा लैक्टोज का। और सुक्रोज का आपको जो जस्ट पता लग गया, डी जो है सुक्रोज का रहेगा, ठीक है, ये डी आपका इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है,
क्रैब चक्र में FADH2 किसके रूपांतरण के दौरान बनता है, यानी क्रैब चक्र में जो बहुत सारी मैंने आपको बताया था ना कि जस्ट कहीं से ATP निकलता है तो कहीं से NADPH2 है ना, कहीं से NAD, तो बहुत सारे जो है ऊर्जा के रूप में निकलती हैं, बहुत सारी ऊर्जाएं निकलती हैं अलग अलग जो है एंजाइम की क्रियाओं से, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि जो है क्रैब चक्र में FADH2 किसके रूपांतरण के दौरान बनता है, ठीक है। तो वो जो आपका बनता है वो सक्सिनेट टू फॉर्मेट एसिड की जब क्रिया होती है, जब सक्सिनेट से जो है क्या बनता है फॉर्मेट एसिड बनता है, तो इसके बीच में जो है क्या निकलता है, इसके बीच में आपका FADH2 निकलता है, ठीक है। कौन निकलता है? FADH2। ये एक प्रकार की ऊर्जा की जो है ऊर्जा के जो है टाइप होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ऊर्जा के अलग अलग प्रदर्शित करते हैं ऊर्जा को, तो FADH2 ऐसे ही इसको ऊर्जा के रूप में, ATP के रूप में, तो बहुत सारे NADPH2 ये ऊर्जा के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो कब बनता है भाई FADH2 रूपांतरित कब होता है, तो वो सक्सिनेट से फॉर्मिक एसिड के बीच में। ए इस क्वेश्चन का जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं आपके जो है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा फैटी एसिड MUFA है, यानी इसमें से कौन सा जो फैटी एसिड वो है MUFA है, तो वो आपका जो 21 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ओलिक एसिड। ये मैंने आपको बताया था आसन जो है असंतृप्त एसिड है ओलिक एसिड, तो ये कौन सा है, MUFE जो आपका ये फैटी एसिड है ओलिक एसिड, ये इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या बोल रहा है कि सेलुलोज का अधिकतम प्रतिशत मौजूद है, यानी सेलुल मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सेलुलोज इज प्रेजेंट, यानी सेलुलोज की सबसे अधिकतम मात्रा किस में मौजूद होती है, जूट में मौजूद होती है, या आपकी जो है वुड में, वुड यानी लकड़ी, जूट में, या कॉटन में, या फ्लेक्स यानी रेशा, किस में जो है सेलुलोज की मात्रा आपको अधिकतम मिलती है। तो सेलुलोज की मात्रा जो है अपने को कॉटन में अधिकतम मिलती है, याद रखिए किस में मिलती है, कॉटन में, ना तो लकड़ी में मिलेगी, ना जूट में, और ना फ्लेक्स में, तीनों रेशा ही है, बट कॉटन में सबसे ज्यादा जो है सेलुलोज की मात्रा मिलती है, याद रखिएगा। सी इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 23 की साइड। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है ये बोल रहा है कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी ग्लूकोज आपका रहेगा ग्लूकोज को किस में, ग्लूकोज को 6 फॉस्फेट में बदलने वाला एंजाइम है, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है, तो वो आपका एंजाइम है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, याद रखिएगा। कौन सा एंजाइम है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ना तो फॉस्फोराइलेज है, ना हेक्सोकाइनेज है, ना ग्लूकोज सिंथेटिक्स है, तो कौन सा है वो? वो है आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ये क्या क्या काम करता है? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो 24 है, शर्करा अम्ल का उदाहरण कौन सा विटामिन है, विच विटामिन इज अ एक्सप्लेन सुगर एसिड, है ना, सुगर एसिड। शर्करा अम्ल का उदाहरण कौन सा विटामिन है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो शर्करा से संबंधित, शर्करा अम्ल से संबंधित है, तो वो आपका विटामिन है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। ये आपका जो है विटामिन किससे संबंधित है, ये कौन किससे संबंधित है, तो ये जो आपका शर्करा अम्ल से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि 2 पाइरुविक एसिड का निर्माण होता है इस क्रिया से, ठीक है। पाइरुविक एसिड, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, यानी शर्करा अम्ल का उदाहरण कौन सा है, विटामिन सी जो है शर्करा का उदाहरण। बी इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 आपका बोल रहा है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है भाई, ये तो बनना चाहिए सभी से, कि बसा का औसत ऊर्जा मूल्य किलो कैलोरी प्रति ग्राम है, इसको किलो कैलोरी प्रदर्शित करते हैं, द एवरेज एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट, यानी फैट जो है कितने ऊर्जा मिलती है अपने को 1 ग्राम फैट से, यही पूछने का मतलब है कि 1 ग्राम फैट से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम फैट से कितनी अपने प्रोटीन के बारे में पता होना चाहिए, और अपने को जो है कार्बोहाइड्रेट के प्रोटीन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 1 ग्राम प्रोटीन से अपने को 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, कितनी मिलती है, 4 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन से। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी अपने को 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, कितनी मिलती है, 4 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा मिलती है। ऐसे ही फैट से जो अपने जो 1 ग्राम फैट से कितनी मिलती है, तो 1 ग्राम फैट से जो अपने को 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी फैट से जो अपने को सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है कितनी, 9 कैलोरी, याद रखिएगा। यानी जो है ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी जो कितनी ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से 4, कार्बोहाइड्रेट से 4, फैट से 9, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 26 है ये बोल रहा है कि डाइसेकेराइड में 2 एक साथ जुड़ते हैं, इन आर डाइसेकेराइड 2 आर ज्वाइंट टूगेदर वाई, यानी डाइसेकेराइड जो जुड़े होते हैं एक दूसरे से, डाइसेकेराइड तो कौन से बॉन्ड के कारण जुड़े होते हैं, जैसे प्रोटीन में आपको पता है प्रोटीन कौन से बॉन्ड से जुड़ा होता है,
पेप्टाइड बॉन्ड के कारण। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि प्रोटीन कौन से बॉन्ड के कारण जुड़े रहते हैं। आपको पता है प्रोटीन की संरचना में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़े ऐसे आपकी संरचना, आपने देखी होगी प्रोटीन की अलग अलग संरचनाएं होती हैं। तो यही पूछ रहा है कि ये बॉन्ड रहते हैं ये कौन से बॉन्ड के कारण जुड़ते रहते हैं। तो प्रोटीन मैंने आपको बताया पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। ऐसे इसने पूछा है कि डाइसेक्राइड एक दूसरे से कौन से बॉन्ड के कारण जुड़े होते हैं, तो वो जुड़े होते हैं आपके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के कारण। याद रखिएगा किसके कारण, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये आपका इंपॉर्टेंट है। कौन से बॉन्ड के कारण, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के कारण जुड़े होते हैं एक दूसरे से दोनों डाइसेकेराइड। अब आपको ये भी पता होगा डाइसेकेराइड कौन कौन से, मैंने जस्ट आपको तीन चार बार याद करवा दिया कि डाइसेकेराइड कौन कौन से, मोनोसेकेराइड कौन कौन से, पॉलीसेकेराइड कौन कौन से, ठीक है याद रखिएगा। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 27 की साइड। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 क्या रहेगा कि बाल नाखून एवं त्वचा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ये आपके बाल नाखून होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं, है ना। किस किस के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। विच प्रोटीन इज फाउंड हेयर नेल्स एंड स्किन, तो कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं भाई, गोलाकार प्रोटीन या केराटिन प्रोटीन या कोलेजन प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण बने होते हैं भाई आप बताओ। तो देखो जो है अपने बाल नाखून और त्वचा कौन सी प्रोटीन से बनी होती है, तो बाल नाखून त्वचा जो है आपकी केरोटिन, केरोटिन प्रोटीन के कारण बनी होती है। याद रखिएगा बाल में कभी पूछे कौन सी प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन, नाखून में केराटिन प्रोटीन, त्वचा में केराटिन प्रोटीन, यानी जो आपकी कौन सी प्रोटीन के कारण बनी होती है, केराटिन प्रोटीन के कारण। 20 क्वेश्चन का जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और कोलेजन प्रोटीन जो है आपकी किसमें, हड्डियों के, ये हड्डियों के जोड़ों में पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन याद रखिएगा, हड्डियों के जोड़ों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कोलेजन, हड्डी के जोड़े में, हड्डियों के जोड़े में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कोलेजन प्रोटीन आपको हड्डियों के जोड़े में मिलेगी, ठीक है। जोड़ों में जो जोड़ होते हैं जैसे टखना हो गया और कोहनी हो गई, इनके जोड़ में कौन से पाए जाते हैं, कोलेजन प्रोटीन अपने को मिलेगी, ठीक है याद रखिएगा। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 28, निम्न में से मोनोसेकेराइड है। देखिए जस्ट वही क्वेश्चन पूछा ना मैंने आपको, मोनोसेकेराइड की बात पूछ रहा है, कौन मोनोसेकेराइड है बताएं आप। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला, इसका आंसर आपको ही बताना पड़ेगा, ठीक है। कौन है मोनोसेकेराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेकेराइड, ये आपको बताना पड़ेगा, आप पे छोड़ता हूँ मैं। किसे अनाजों की शर्करा कहा जाता है, विच इज द कॉल्ड ग्रेन शुगर, किसको कहा जाता है भाई, ग्लूकोज, आप मैंने आपको बताया था ग्लूकोज को क्या कहा जाता है कि ग्लूकोज को जो आपकी हेक्सोज शुगर ही बोलते हैं, डेक्सट्रोज शुगर ही बोलते हैं, ठीक है। और फैक्टोज को मैंने आपको बताया था भाई, इसको फल शर्करा भी कहते हैं, है ना। माल्टोज, माल्टोज को भाई अनाजों की शर्करा कहा जाता है, याद रखिए किसको, माल्टोज, यानी सी इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है भाई, माल्टोज को अनाजों की शर्करा कहा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि किसे प्रतिपन शर्करा कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एंटीसेप्टरी शुगर, प्रतिपन शर्करा किसको कहा जाता है। तो प्रतिपन शर्करा आपको पता है कि सुक्रोज को जो है अपन प्रतिपन शर्करा बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुक्रोज को। तो याद रखिएगा बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आपसे जो है इस एग्जाम में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर का आपका मिड टर्म का एग्जाम है 2020-21 का, तो बहुत सारे मेजर क्वेश्चन आपसे पूछे गए, तो इन क्वेश्चनों को अपने को याद रखना है, और मैंने बहुत सारे अलग से भी आपको क्वेश्चन बताए तो उनको भी याद रखना है, ठीक है। और जे एन के वालों को आपको पता है कि 9 तारीख को आपका पेपर है कल को, ठीक है। और आर के बी एस वालों को आपको पता है कि भाई जो 18 से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो अपने को इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, बेसिक चीज़ों को। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका जो है कल फंडामेंटल हॉर्टिकल्चर का पेपर है, जो हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, तो बिल्कुल ऑल द बेस्ट, अच्छे से दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।